रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सरकार विफल हो चुकी है और जनता को अब पछतावा हो रहा है कि उन्होंने भाजपा सरकार को चुनकर अपना ही नुकसान किया है। यह बात कांग्रेस नेता ललित जोशी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जोशी ने कहा कि 3 तारीख से शुरू होने वाले कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जनता के मुद्दों को लेकर साथ चलेगी और जनता को भाजपा सरकार की नाकामयाबी गिनाएगी। हालांकि जनता जागरूक है और वह सब जानती है, मगर जिन लोगों के सवाल हो, कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से जनता को उनके ठगे जाने का एहसास कराएगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं, अब शायद अमेरिका का ट्रिपल इंजन ही लगाना पड़ेगा, तभी भाजपा की नैया पार हो सकती है। जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में बस 3 ही लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें तीरथ, त्रिवेंद्र और धामी शामिल हैं। फिलहाल अब सरकार के पास जनता के सामने वोट मांगने और किए गए कार्यों का ब्यौरा तक नहीं है। ऐसे में अब की बार जनता कांग्रेस का ही हाथ थामेगी। जब डबल इंजन की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जब आम इंसान जब रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम हो जाता है, युवा रोजगार से महरूम हो जाते हैं, हर समय जो है त्राही त्राही है, हर जगह त्राही त्राही है, और विशेष तौर पर जो एक वर्ग विशेष है रोजगार को लेकर करके जितनी जो हुआ है पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की, आज पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से तंग आकर करके इस सरकार को का परिवर्तन करना चाहती है। और ये जो यात्रा है जो 3 तारीख से लेकर करके 6 तारीख तक होगी और ये 2 जिलों के बीच में घूमेगी और इसके विभिन्न चरणों में अलग अलग पूरे उत्तराखंड के अंदर विभिन्न चरणों में जाएगी। इसका फिलहाल कुमाऊं के अंदर इन 2 जिलों के नैनीताल और उधमसिंह नगर में 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में होगा और जनता की सहभागिता से जनता ही इसके लिए मांग और जनता ही इसके लिए आंदोलित होती आई है। क्या आम, क्या खास, क्या कर्मचारी, क्या युवा, क्या महिलाएं, हर व्यक्ति आगे आ चुका है भारतीय जनता पार्टी से, परिवर्तित करना चाहता है उनकी सरकार को और जनता की आवाज को। हल्द्वानी के अंदर 4 तारीख को शाम 4 बजे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं खास इसमें? देखिए, मुद्दे तो रोटी, कपड़ा, में मकान मैंने बता ही दिया, जिन तीनों से इस डबल इंजन की सरकार ने महरूम कर दिया। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि अब एक और ट्रिपल इंजन लग रहा है, अमेरिका का ही लगाना पड़ेगा अब तो, क्योंकि दिल्ली और देहरादून की सरकारों ने जो 4.5 साल में जो खून के आंसू लाए हैं इस राज्य को, कोई नीति नहीं है। 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को रोजगार मिला, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, इन तीनों के अलावा किसी को रोजगार नहीं मिला है। आज उसी का सबका प्रतिकार, उसका विरोध करने के लिए मुद्दे इसमें रहेंगे। कर्मचारियों के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं और महंगाई का मुद्दा है। ये तो 3 प्रमुख मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। और वैसे भी जनता के अंदर से जो आक्रोश निकल रहा है उसका परिणाम आपको सबको हल्द्वानी में 4 तारीख शाम को 4 बजे दिख जाएगा।